तो भाई ये देख सकते हो आप लोग, बारह घाट का ये कुआ है जो, ये क्या है मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखो तो भाई ये अपने घर आ गए हैं। यार ज्यादा आगे नहीं जा सकते, केड़ा पानी आ रहा है और क्या, साइडों से थोड़ा थोड़ा सोखते हैं ना, हल्के हल्के उनमें से पानी आ रहा है भाई। और ये बहुत ही बड़ा पेड़ है, और टेबल देख रहे हो यहाँ की, डाइनिंग टेबल देखो, ये डाइनिंग टेबल है यहाँ, ये देख रहे हो आप डिजाइन, ट्यूबलेस की है, क्या बना 300 रुपये देने पड़ते हैं। तो भाई घूम रहे हैं गांव में अपने खेतों पे, और ये देखो सांप के बिल। खेतों में घूम रहे हैं गांव में, और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कितना बड़ा कुआ है। कुएं पे जा रहे हैं, चारों तरफ खेत हैं, पानी चल रहा है, सरसों की फसल बोई हुई है यहाँ पर। और यह सामने आप देख पाएंगे कि मेरे पीछे बैक साइड में कुआ है जो कि बहुत बड़ा है। दिखाता हूँ आपको कुआ को, भाई साहब देखो कितना शानदार बना हुआ है ना, ये पेड़ लगा हुआ है यहाँ से स्टार्ट होके, और ये चारों तरफ से, ये देखो देखो तो ये कुआ जो है, ये कुएं के घाट के नहीं जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये पूरा 12 घाट का कुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें नीचे पानी देखो साइडों से कैसे आ रहा है, देखो सोखते होते हैं ये जिनमें पानी इकट्ठा होता है, जहाँ तक चिनाई हो रखी है उसके बाद में फिर पहाड़ी ज़मीन है, और पहाड़ी ज़मीन के अंदर भी देखो पत्थरों के अंदर भी साइड से पानी दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, तो ये पानी है। हेलो हेलो हेलो, तो बैकग्राउंड में देख सकते हैं भाई ये 12 घाट का कुआ, ये इंजन है, बहुत ही बड़ा कुआ है ये, तो हमें तो डर लग रहा है यार ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। केड़ा पानी आ रहा है और क्या, साइडों से थोड़ा थोड़ा सोखते हैं ना, हल्के हल्के उनमें से पानी आ रहा है भाई। तो भाई ये देख सकते हो आप लोग, 12 घाट का ये कुआ है जो कि काफ़ी बड़ा है भाई, नीचे बहुत कैडे डिज़ाइन है भाई, कुआ देखा नहीं होगा आपने। हाँ देखो वहाँ घोंसले रखे हुए, पत्थर होता है इसका पत्थर, अरे आदमी नहीं बनाएगा, बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं आदमी, ऊपर का पानी निकल रहा है 40 फुट का पानी, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है हर पत्थर में पानी होगा यार, किसी किसी में है सोखते में तो वो आ रहा है, ये जरूरी थोड़ी है हर किसी सोखते में पानी होगा, नहीं। तो भाई हम ये दिखा रहे थे कुआ, एक 12 घाट का जो बड़ा कुआ है, और ये बांध है जिसमें ये सब, तो ये कुएं से इन खेतों के लिए पानी निकाला जाता है, मतलब ठेवन होती है, सिंचाई होती है। और ये अंकित है, और ये भाई अपना एक रिंकू सिंह ठेकेदार है ना, तीनों भाई आराम से घूम रहे हैं और अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं। ये इंजन है देख सकते हो आप गाँव का, चाचा आ गए बात नहीं, ये देख सकते हो मैंने कभी एडवांस में बात ना आई, मैं क्या कैसे करता हूँ काम करना है, सही बात है, नहीं है पाओ। ये क्या है मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखो
ये भाई बालों में लगाने वाली होती है और फेंक के किसी के भी बालों में लगा दो ऐसे दाढ़ी पे लग गई, इसकी दाढ़ी पे लग गई। तो ये बालों में लगाने वाली होती है भाई। बहुत मजे लेते थे यार हम यहाँ पे बचपन में। लड़कियों के लिए क्लिप है ये, है ना, बालों में लगाने वाली क्लिप लड़की। 2002 में हम यहाँ से निकले थे भाई, और गाँव में आने के बाद ना बचपन की यादें ताजा हो जाती है। अब तो हम शहर वाले हो गए, लेकिन यहाँ आने का एक मजा ही अलग है, जंगलों में घूमने का और मौज मस्ती लेने अपने आप आ जाती है यार जब घूमते हैं जंगलों में पहाड़ों में। तो कारो सारा एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। कैप लगा रखी है ना तूने। चारों तरफ खेतों में हरियाली है बहुत अच्छी वाली, और पेड़ों में बेर लगे हुए हैं, छोटे वाले जो बेर होते हैं, देखो कितने कितने बेर लगे हुए हैं, पके कच्चे सारे बेर लगे हुए हैं। तो भाई बेर भी खाते हुए मौज कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है यार। तू निकल पहले, रुक जा मैं ही निकलूं। चल ओ तेरी एडवेंचर जंगल एडवेंचर है। खा जा भाई। तो भाई चौकी है यहाँ पर, वो हम दिखाने जा रहे हैं आपको चौकी, किस तरीके से यहाँ पर घर बनते हैं और ऑफिस बनते हैं। ये पुराने ज़माने के विधायक जी के ऑफिस हैं। तो भाई हम आ चुके हैं खंडर में। कुंडी देख लो इसकी भैंस की। देखो खोलिए कुंडी, खोलिए ये देखो भाई कुंडी, कितनी बड़ी कुंडी है ये देख रहे हो आप। डिज़ाइन कितना मस्त डिज़ाइन है ये देखो। पत्थर के घर बनते थे यहाँ पर। जय किसान, जय जवान, जय हनुमान। कितने बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं यहाँ पर भाई साहब। क्लैडिंग ये गाड़ियों का गैरेज, यहाँ पर गाड़ी खड़ी होती थी और अब गाड़ी नहीं होती। देखो शटर भी लगा हुआ है, पुराने टाइम का ये शटर लगा हुआ है इसमें। और यहाँ से ये इधर बाग, सारा ये सारा बाग था। थोड़ा भाई देखभाल नहीं होती तो ख़त्म हो जाता है सिस्टम यहाँ पे। पहले बहुत प्यारा लगता था ये सब, इसमें पेड़ पौधे हुआ करते थे भाई अच्छे। अब जो है ख़त्म हो गए हैं टाइम के साथ, सब बाहर निकल गए हैं लोग और इन्हें हवेलियों को छोड़ के, ऑफिसों को छोड़ के बाहर चले गए। रैंप देख लो भाई, रैंप कितना सॉलिड है। और देख ही रहे हो तुम, ये ऑफिस है पुराने टाइम का। तो एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई, जहाँ जहाँ कोशिश हो रही है गांव में क्या क्या है, कैसी कैसी चीज़ें बनती हैं। घर जो है यहाँ पर सारे पत्थर के बनते हैं, क्योंकि राजस्थानी यूपी में अंदर जो है ये नाली है। देखो ये नाली, यहाँ से पानी आता था अंदर से, कहीं से सिस्टम है स्टेयर्स, सब पत्थरों का सिस्टम है यहाँ पर। और ये देखो, यहाँ दिखाता हूँ आपको, देखो बैठने के लिए कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लाए जाते हैं भाई। ये डाइनिंग टेबल देख रहे हो, यहाँ की डाइनिंग टेबल देखो, ये डाइनिंग टेबल है यहाँ। डाइनिंग टेबल ये सारा ग्राउंड है भाई। ये तो बेर खाने में लग गया लौंडा, इसे तो बेर पसंद है। घोड़ों की दौड़ होती थी यहाँ पर। ये भाई पीले पीले हो रहा है भैंजो, मेरे लोबर पे क्या लग गया देखो, लोबर पे यहाँ से जगह है बंद कर रखा है। निकल ले फिर, कहीं से निकल जाते हैं भाई। तू देख के चल, हम तो देख के चल ही रहे हैं। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं हम तुम लोगों के लिए यार, वीडियो शूट करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ये कांटे हो तेरी।
अरे इधर से आजा, थोड़ा आगे से, ये साइड साइड में रात में यार गए वाले डोले यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे जो ये छोटे छोटे बेर लगे हुए हैं, तो हम तीनों भाई जो है यहाँ पर बेर खा रहे हैं आराम से। जो देख सकते हैं कि आप ये कितने रेड रेड इस पे बेर हैं, और भाई इन्हें तोड़ तोड़ के, और ये बहुत मीठे हैं यार। मीठे कितने खतरनाक काम है। लेकिन इसमें ना कांटे हैं, देखो ध्यान से देखो इसमें कांटे कितने हैं। सुरक्षा में कांटे, सुरक्षा में बेरों की सुरक्षा में कांटे हैं यहाँ पे। बहुत मज़ा आता है यार गांव में, बेर खा रहे हैं, बहुत ही मीठे मीठे बेर है यार। पेड़ों से तोड़ के खाने का मज़ा ही अलग है। जितने दिन भी हम रहेंगे अलग अलग चीज़ें दिखाने वाला हूँ आपको पूरे ब्लॉग में, कि यहाँ पर क्या राजस्थान भाई कैसी चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ मिलती हैं, कैसे कैसे पहाड़ हैं, सब चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको। बने रहिए हमारे ब्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आ गए भाई अपनी गाड़ी पे, और ये देखो भाई दिखाते हैं रिंकू ठेकेदार। अठारह साउंड लगवा रखे हैं भाई भाई ने गाड़ी में, मज़ा आ गया भाई साउंड सुन के। चले भाई बैन कर रखे हैं, लेकिन यहाँ कौन पकड़ रहा है यार, यहाँ सब कुछ अलाउ हुआ है जंगलों में। देखो यार मेरे पीछे जो ज़्यादा घने जंगल हैं और ख़तरनाक पहाड़ हैं, वहाँ भी मैं लेकर जाऊँगा। ये मेरा पहला दिन है गाँव का, तो मैं नॉर्मल खेतों पर घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ क्या क्या है, तो इस हिसाब से फिर आपको बनाऊँगा ब्लॉग और दिखाता रहूँगा। बैठते हैं अपनी बाइक पर, निकलते हैं यहाँ से। तो खेत है पीछे, उस पर आए थे साल पुराना ये पेड़ होगा भाई पीपल का, और ये बहुत ही बड़ा पेड़ है, और इस पर सुना ही आता है कि सांप भी रहते हैं दो, है ना। चल भाई यहाँ का, हमारे यहाँ का एक ही सिस्टम अच्छा है। देखो मिर्च लग रही है, मिर्च तोड़ रहे हैं। एक ही सिस्टम अच्छा है कि यार यहाँ की सफाई बहुत अच्छी है हमारे गाँव की, है ना। आस पास में कोई गाँव नहीं है, तो बिल्कुल क्लीन गाँव है। यहाँ गाँव है, और ये देखो इधर खेत, इधर ये गाँव है और इधर ये खेत है आराम से। भाई छोटो ये गाने में भाई, ये अपने घर आ गए हैं। ये गाड़ी खड़ी हुई है अपनी, वो गया लौंडा बच्चा गांव का, ये एक अपना बच्चा गांव का। ओए क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है तू, पत्थर पत्थर ढो रहा है, हैं पत्थर ले जाएगा उठा के, हैं ले जा सर पे रख ले, सर पे रख के ले जा, सर पे रख के ले जा, ओ ले जा बेटे। ये दूसरी गाड़ी खड़ी है भाई अपनी, घर में एंटर।